चाचू आज आपने अनबॉक्सिंग नहीं थी करनी? हाँ वो करनी तो सुबह थी, अभी बच्चे जो उनसे कर रहे हैं जिद कर रहे हैं तो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग शुरू करते हैं। ये मशीन पड़ी हुई थी मेरी सऊदी अरब, तो भाई ने भेजी है, तो अभी ये बच्चे जिद कर रहे हैं। ये जर्मनी की है, कर्चर कंपनी है इसकी, ठीक है, और के फोर है इसका मॉडल, फुल कंट्रोल वाली है। इधर दिखाओ बेटा, ये देखें, इसमें मशीन है, गन है, दो इसमें मेरे ख्याल है इसके नोजल्स हैं, ठीक है, और ये जर्मनी की है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया होगा, जब भी चीज अच्छी ले तो ये मैंने सऊदी अरब में ली थी, वो भाई ने भेजी है अभी। तो ये ऊपर इसका होल है, ये भी इस पे करीब से दिखाओ जरा, ये भी है, ये सचल का सेट है, हाफ 20 mm का, ठीक है, होल सेट है, और ये भी 20 mm का है हाफ इंच वाला, और ये किट है इसकी हाफ इंच वाली 20 mm की, ये चीज़ें इसके अंदर है सारी, ठीक है, और इसके अंदर होज है, होज काफ़ी लंबी है। इंशाल्लाह पहले इसे करते हैं, ये अभी इसको खोलते हैं और आपको इसको असेंबल करके दिखाते हैं, ठीक है। इसका प्रीमियर मॉडल है, ये के फोर प्रीमियर है, जो सबसे ऊपर वाला मॉडल आता है, ठीक है। तो उस वक्त सऊदी अरब से ली थी, तो अभी इसका करते हैं। ये करीब से दिखाओ बेटा, ये स्विस पोर्ट पे आई है, ये लिखा हुआ, ये स्विस पोर्ट, ठीक है, ये स्विस पोर्ट पे, ये जो पोर्ट है जहाँ आई है, ये ऊपर से उठा देते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये शामी चाचू ने पैक की थी, नीचे से खुली हुई पड़ी थी, मैं भी इसमें यूज की, मैं बता रहा था, मैंने यूज कोशिश की है, मुझे समझ नहीं आई थी असेंबल करने की, इतना आसान है मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको करके दिखाता हूँ असेंबल। ये आप बुक साइड पे, हां मेरी साइड पे, और ये इसकी बुक है, मॉड्यूल मैनुअल, इसमें सारा लिखा हुआ है, देखें मॉड्यूल है इसका, मैनुअल गाड़ी धोने का, ठीक है, मैनुअल, ये मैनुअल, ये इसमें ये इसकी सारी चीजें दी हुई हैं, ये इसके साथ अलग से लेनी पड़ती हैं, साथ इसके गन आती है, ठीक है, ये अभी ओपन की है, तो ये रही गन, ये गन होल्डर है, दिखाओ भाई, ये जी ये गन निकल आई है इसकी, AK-47, ये देखिए इसमें अलग अलग मोड भी हैं, चार मोड है इसमें, ये इसकी दो नोजल्स हैं, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना आप इधर से, ये गन है, ठीक है, ये नोजल है, ये आई थिंक सो फ्लोर के लिए होती है, घर का कोई भी फ्लोर है, आप बाहर गैराज है वो साफ करने के लिए, ठीक है, ये कार वॉश के लिए होती है, और जो वॉल्स हैं वो धुल जाती हैं, कारपेट धोना है, कुछ भी करना है, मल्टीपर्पज है ये, ये हमारी पिंग पोंग छी होगी, ये होगी ऐसे, ये इसका गन होल्डर है, इसके लिए उधर से टेस्ट या पेचकस देना, पहले कर लेते हैं जो चीज इसकी पड़ी, एक स्क्रू इसकी एक साथ नट होनी चाहिए थी, नहीं नहीं लड़ाई नहीं करो बेटा, इतने पहले मुझे पिंग पॉन्ग फेस ठीक आ था, तो पाइप किधर लगता है इसका, आप छोड़ दो, मैं बताता हूं, ये पाइप लगता है ना, हां ये फिल्टर है, ये फिल्टर है इसका, पानी में कोई कचरा हो तो आगे नहीं जाने देते, क्योंकि मोटर में चला जाता है, नहीं बैठा नहीं है, बैठ गए, एक पेच इधर रखता है, कहीं नीचे गिरा होगा शायद, मैं भी इसके अंदर ये भी आए, छोड़ दो ना यार, आप छोड़ दो, मैं निकालता हूँ, मैं आप ये दिखाओ, हाँ ये सही नहीं लगा, इसको मैंने लगाया, थोड़ा
थोड़ा सा इसे लॉक्स इसके टाइट करें। त्याज दराजा फोन ना छेड़ी, पहले से फ्लिप करना पड़ेगा, मैंने फ्लिप नहीं किया था। ये देखें इसे संभाल कर से नीचे भी है इसके, नीचे पेच लगते हैं ठीक है। यहाँ से नीचे बैठ गया, ये बैठ गया। नीचे वाला लगाते हैं, ऊपर क्लिप लगा, नीचे वाला स्क्रू लगाते हैं। ये स्क्रू है एक और के लग गया यार, ये लग गया। ये किधर, ये आई थिंक सो बैक पे लगेगा, इधर लगेगा। यहीं पर लगा, ठीक है यहीं पे लगा। ये लग गया वहां, सप्लाई देना बेटा। ये बैठ गया और ये भी बैठ गया, ठीक है। ये ओके, ओए पानी, ये इसकी होल है, ये देखा है, ये इसकी होल है, ठीक है। ये अब हाँ, ये साइड लगेगी इधर, खोल लेते हैं। इसका क्लिप पैर निकल आया, ठीक है। इसको आपने, ये वॉशर लगी हुई है, देखें चेक कर लें, ये वॉशर, इसकी वॉशर लाजमी जो सा होनी चाहिए। ये हो गया, ये अब ये दोबारा निकले नहीं का, ठीक है। अच्छा इसमें ये इसकी दो है, ये मेरे ख्याल उसमें थी, शामी ने खोल के चेक की होगी तो ये इसमें डाल दिए, ये भी उसमें होता है। ये इसके यहाँ लगेगा, इसमें भी वॉशर होती है, ये होनी चाहिए लाजमी, वॉशर लाजमी होनी चाहिए अंदर, वो आपने चेक कर लेना ऊपर भी। ये 2019 में ली थी, पड़ी थी एक बड़े से बर्तन में भी, मैं ट्राई की यूज करने की। ये येलो उधर लगेगा, ये इसका हो गया इधर गन, और इसको भी करते हैं। ये मुझे लगता है पाइप होगा, होल होगी इसकी, पाइप होगा, होज है सेटअप जैसे हो गया। ये देखें ठीक है, ये इधर प्लग हो गया से, इसको फिर यहाँ करेंगे, अच्छी तरह घुमाएंगे, फिर इसे टाइट कर देंगे, ये से टाइट करना है, ठीक है। टाइट हो जाएगा तो ये करीब करो, ये देखें इसको यहाँ से पुश करना है, और ये प्ले हो गया, ठीक है, ये प्लग हो गया, अब ये रेडी है, बस उधर से टैप से लगाना है, ठीक है। अच्छा इसको फोल्ड ही रहने देते हैं, ये आपको कल हम बाइक की गाड़ी में धोएंगे, गाड़ी तो अभी साफ है, तो बाइक धो के दिखाएंगे, फ्लोर भी साफ ही है। अच्छा ये हो गया, बाइक हमारा बहुत गंदा हुआ है, ये वाला जो है ये इसके पीछे, ये गन है, प्रेस करेंगे और ये देख, नहीं अब हो गई है, ठीक है। ये रेडी हो गई है, बस अब इसे पानी के साथ लगाना है, उधर से प्लग इन करना है, ये बिजली इसकी लगानी है, ठीक है। ये भी अभी तक कर देते हैं इसे, अभी फोल्ड ही रहने देते हैं, कल चेक करेंगे इसमें फ्यूज भी, मैं भी फ्यूज का चेक करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है। और ये गन आ जाएगी आई थिंक, तो नहीं ऐसे नहीं लगेगी, इसको खो
खोल लेते हैं अभी फिलहाल। अच्छा ये ऑन, ओके देख लीजिए ना। अरे भाई तूने कहां गिला बुला, हम भाई तूने कहां एक और बुला बना लेंगे, बना लेंगे निकल क्यों गया यार। अरे बाबा निकल क्यों नहीं वो कहता है मेरा दिल नहीं है निकलने का, बड़ी सामने से निकल आता है वो कहता है मेरा दिल नहीं है निकलने का। हां अब निकल रहा है। ये किस तरह, ये अंदर करके इसको यूं ही यूं प्रेस करते हैं ना। ठीक है और घुमाते हैं ये निकल गया। ओह माय गॉड, इसको यहां लगा देंगे। ठीक है और गन्स की तरह ये तो यूज नहीं होता, इसको यहाँ ये डब्बे संभाल के रखा ही भी हमने दोबारा जाना है शिफ्ट करना है तो इसमें डाल देंगे। ये भी इधर चलेगी। दूसरी गन की तरह तुम घुमाई रहो यार, कैमरा मैन कभी भी किसी और तरफ नहीं देखता, ये समझ। वो बढ़िया ना ये क्या है, ये क्या है, ये दो, ये दोनों इधर डाल दी। ठीक है और गन यहाँ पर डाल देगी, इसको यहाँ रख देते हैं अभी सुबह जो से इसको। हाँ कल अभी बाइक धो के आपके दिखाएंगे। ठीक है इससे बाइक वॉश करेंगे, इनका बच्चों का बाइक है अभी ये सीख रहे हैं, लेकिन वॉश करके इसका नाम यूनियन स्टार है। यूनियन स्टार है हाँ। बाइक भी कहते हैं ना, बाइक का नाम ही यूनियन स्टार है ना, ऐसे ऐसे ठीक है। निंजा हाय निंजा, चलो कल धोएंगे। ठीक है अभी ठंड है बाहर, सर्दी है। यस यस यस, कल आपको बाइक धो के दिखाएंगे। ठीक है लाइट गई हुई है, नाश्ता रेडी हो गया, फिर मम्मी के साथ बैंक जाना है नाश्ता करके। तो चाय देखें, पराठे अंडे, आ जाओ भाई नाश्ता कर लो। देखा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ रहे। हाँ ये आ गए, अम्मी आई हुई हैं, पैसे लेने उनके साथ आया हूँ, फिर लेटर ऑन इवनिंग ऑफिस जाएंगे तो देखें, उसके बाद अभी बैंक जाना है पैसे डिपॉजिट कराने मेरे बैंक में, फिर फ्री होके तो घर जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं आज की एक्टिविटीज़। जी गाइस तो पावर वाशर का हमने आपको अनबॉक्सिंग दिखाई है। ठीक है तो ये उस वक्त मैंने ऑलमोस्ट 2700 रियाल का था, तो 1350 रियाल का मैंने डिस्काउंट कार्ड पे लिया था, तो मुझे डिस्काउंट 50% मिला था 1350 रियाल का। तो अभी पाकिस्तान में ये कुछ मॉडल्स लाखों रुपए के आते हैं, कुछ 1,60,000 का है, 70,000-2,00,000 का भी है, ये वाला ऑलमोस्ट 2,00,000 के करीब पहुँच जाता है, इसके साथ एक्सेसरीज भी हैं तो वो चार्ज करते हैं, तो आप उसमें फ़र्क भी होता है ओरिजिनल में और जिनसा कॉपी में। तो जो बिल्कुल आप ओरिजिनल जर्मनी वाला होगा वो तकरीबन आपको 160 के राउंड अबाउट पड़ेगा, तो इसका बाकी वर्किंग जो सी है वो आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कल इंशाल्लाह, अभी टाइम नहीं है, रात भी हो गई है, काफ़ी बाहर अंधेरा है, ठंड भी है, तो फिर हम आपको बाइक की गाड़ी क्योंकि साफ़ है हमारी तो वो नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी करेंगे आपको वो भी दिखाएंगे। तो दूसरे भी हैं साको कंपनी का, आइकिया के और भी कंपनीज के हैं, लेकिन ये बेस्ट है। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, लास्ट में अल्लाह मसल्ला सैदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।